आप देख पा रहे हो एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। और गाइस कितना मस्त लग रहा है, कोई कह भी नहीं सकता कि यहाँ पर गेट है, एकदम पूरा सीक्रेट हो चुका है। तो हेलो गाइस, आज हम फिर से करने वाला है माइनक्राफ्ट, और आप लोग देख रहे हो माइनक्राफ्ट का एपिसोड नंबर 52। तो गाइस आज हम अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में बनाने जा रहे हैं एक सीक्रेट डोर। तो गाइस आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने एक सीक्रेट लाइब्रेरी बनाई थी। तो गाइस उस साइड आप देख पा रहे हो वो है सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर जाने का रास्ता, और वहाँ का मैंने डोर तोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर हम आज सीक्रेट डोर बनाने वाले हैं ताकि हमारी सीक्रेट लाइब्रेरी एकदम ही सीक्रेट बन जाए। तो चले गाइस जल्दी से आज हम एक सीक्रेट डोर बनाते हैं। तो गाइस उसके लिए हमें यहाँ पर पहले पिस्टन चाहिए और यहाँ पर थोड़े बहुत सैंडस्टोन चाहिए क्योंकि पता नहीं चले इसीलिए। और पहले मैं आपको लाइब्रेरी दिखा देता हूँ, ये हमारी सीक्रेट लाइब्रेरी आप देख पा रहे हो। तो यहाँ से ये लीवर ऑन करते ही ये लाइब्रेरी बाहर आ जाती है, आप देख पा रहे हो। तो गाइस यहाँ से हम अपनी एन्चेंटमेंट कर सकते हैं, और अभी इसको फिर से अंदर कर देते हैं। तो गाइस अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर और अपना सीक्रेट डोर बनाते हैं जल्दी से। तो गाइस अभी हम यहाँ पर बाहर आ चुके हैं और अभी हमें यहाँ पर अपना सीक्रेट डोर बनाना है। तो यहाँ पर हमें पहले तोड़ना पड़ेगा, और हमें पिस्टन और ये सैंडस्टोन और इतना सामान ले लिया, आप देख पा रहे हो। रिपीटर और कॉम्परेटर भी चाहिए। तो यहाँ पर इतने सामान लेने के बाद तो अभी यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक छोड़कर तोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर हम पहले ब्लॉक पे तोड़ेंगे तो पिस्टन दिख जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पर हम एक ब्लॉक छोड़कर तोड़ देते हैं इसको, दो ब्लॉक ऐसे, दो ब्लॉक अंदर की तरफ तोड़ना है आपको। तो यहाँ पर जल्दी से उस साइड भी ऐसे ही तोड़ देता हूँ। तो गाइस अब मैंने यहाँ पर दोनों साइड दो दो ब्लॉक तोड़ दिए, आप देख पा रहे हो। और अभी हमें यहाँ पर दोनों साइड दो दो पिस्टन लगाने हैं ऐसे, इसके ऊपर एक और ऐसे इस साइड भी हमें पिस्टन लगाने, और आपको स्टिकी पिस्टन लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने स्टिकी पिस्टन लगा दिया, और अभी हमें इसके पीछे जाकर इसकी वायरिंग करनी है रेडस्टोन से। तो यहाँ से मैं दो ब्लॉक आगे से इसको तोड़ता हूँ, और फिर हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा स्टिकी पिस्टन के, और फिर हमें वायरिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से खोद देता हूँ। अभी हमने यहाँ पर दो ब्लॉक खोद दिया और तीन ब्लॉक खोदने हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारी पिस्टन है, तो हमें इस वाले ब्लॉक से जाना है ऐसे तोड़ते हुए ताकि हम अपनी पिस्टन जहाँ पर लगी हुई है उसके पीछे जा पाए। तो अभी हम यहाँ से तोड़ते हुए जाते हैं, तो इसी के आगे पिस्टन आ, ये रही गाइस। तो ये रही हमारी दोनों पिस्टन लगी हुई। तो गाइस अभी हमें इसके पीछे पूरा रेडस्टोन से करंट देना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ये पूरा तोड़ना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर ऊपर से पूरा एरिया तोड़ दिया है, तो अभी यहाँ पर हम ब्लॉक लगा कर चलते हैं ऊपर। तो गाइस यहाँ पर ऊपर तक इतना तोड़ दिया मैंने, और अभी हमें यहाँ पर और तोड़ना पड़ेगा आगे की तरफ ताकि हम पूरा इसके ऊपर वायरिंग कर पाए। तो गाइस इसको मैं जल्दी से यहाँ पर तोड़ देता हूँ, और फिर हमें इसके ऊपर पूरी वायरिंग करनी है। तो यहाँ पर एक और ब्लॉक ऊपर जाना पड़ेगा हमें। तो गाइस पता नहीं ये ब्लॉक क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर। ओके गाइस तो अभी ये ब्लॉक लग चुका है, तो अभी हमें यहाँ पर सामने की तरफ इस एरिया को तोड़ना है। तो मैं जल्दी से इसको तोड़ देता हूँ, फिर हम इसके ऊपर वायरिंग करेंगे। ओके गाइस तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने इस एरिया को तोड़ दिया, अभी और ऊपर से तोड़ना पड़ेगा ताकि हम इसके ऊपर जा पाए। तो अभी हम इसके ऊपर चले जाते हैं और इस साइड से भी तोड़ देते हैं इसको। तो गाइस ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हम जब इस पिस्टन को करंट देंगे तो ताकि यहाँ पर प्रॉपर वायरिंग हो पाए इसीलिए। तो यहाँ पर ये पूरा तोड़ देता हूँ, और ये ऐसे रह गया इस साइड। तो अभी यहाँ पर मैंने पूरा तोड़ दिया ऑलमोस्ट। तो अभी हम यहाँ पर चलते हैं नीचे, और ये हमारी दोनों पिस्टन। तो अभी यहाँ से मुझे रेडस्टोन से करंट लाना है। तो ओके गाइस अभी हम यहाँ से करंट लेकर ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हम इस साइड इसको लेकर आते हैं यहाँ पर, नहीं नहीं गाइस। तो अभी हमें यहाँ पर इसको तोड़ना पड़ेगा, और हमें थोड़ा दूर से लेकर आना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमें आगे कॉम्परेटर भी लगाना है। तो इसीलिए तो यहाँ पर अभी हम यहाँ से ला लिया, और अभी हमें इसको इस साइड लेकर चलना है। तो गाइस यहाँ पर नहीं नहीं गाइस यहाँ पर अब फिर से करंट ज्वाइन हो रहा है, तो इनको ज्वाइन नहीं होने देना है। तो यहाँ से थोड़ा दूर से लेकर आ चुके हैं, तो अभी शायद से सही है। तो ओके गाइस अभी यहाँ पर हमें कॉम्परेटर लगाना है,
जिसकी वजह से, और गाइस ये जो मैं सीक्रेट डोर बना रहा हूँ ये हमारा आइटम फ्रेम से काम करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमें कॉम्परेटर लगाना है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कॉम्परेटर, अभी लग जा तो मुझे थोड़ा इस साइड आना पड़ेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर कॉम्परेटर लग चुका है, तो अभी हम चलते हैं नीचे और देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको तोड़ना पड़ेगा उसके लिए, तो यहाँ पर मैं इस ब्लॉक को तोड़ देता हूँ और अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि हम दोबारा ऊपर चढ़ पाएँ यहाँ पर, तो इसको तोड़ कर हम चलते हैं बाहर। तो ओके गाइस अभी हम बाहर आ चुके हैं और अभी हम इसको देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं जो हमने कनेक्शन किया है वो। तो यहाँ पर पहले हम आइटम फ्रेम लगा देते हैं, तो ये रही आइटम फ्रेम। तो यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर है वो कॉम्परेटर, तो यहाँ पर है शायद से। तो गाइस अभी मैं इसके अंदर टेम्परेरी अपनी एक्स रख देता हूँ डायमंड की, तो अभी देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। नहीं गाइस ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो शायद से हमने गलत जगह पर आइटम फ्रेम लगा दिया। तो एक काम करते हैं थोड़ा आगे रखते हैं, मतलब पीछे, तो यहाँ पर होगा शायद से वो। तो यहाँ पर लगा दें, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ओके गाइस तो आप देख पा रहे हो हमारा पिस्टन काम कर रहा है, तो अभी इसको फिर से करते हैं। ओके गाइस तो ये एकदम प्रॉपर काम कर रहा है, तो इसका मतलब हमने वायरिंग एकदम बराबर की है। तो गाइस अभी ऐसे ही हमें उस वाली पिस्टन की भी वायरिंग करनी है और फिर दोनों पिस्टन एक ही आइटम फ्रेम से कनेक्ट करनी है ताकि एक ही आइटम फ्रेम से दोनों पिस्टन वर्क हो। तो गाइस जल्दी से हम इस साइड से, यहाँ से सीधा इस साइड भी ऐसे ही वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से पहले इस साइड तोड़ देते हैं, यहाँ पर भी हमें तीन ब्लॉक आगे तक तोड़ना है। तो गाइस एक बार मैं देख लेता हूँ कि तीन ब्लॉक ही है ना। ओके गाइस साइज से यहाँ तीन ब्लॉक ही है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक और ब्लॉक तोड़ देता हूँ यहाँ पर इस वाले को, और अभी हमें यहाँ पर इस साइड पूरा ऐसे आगे की तरफ खोदते हुए जाना है और हम सीधा अपने पिस्टन के पीछे की तरफ आ जाएंगे। ओके गाइस तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम अपनी पिस्टन के पीछे की तरफ आ चुके हैं। तो गाइस अभी हमें यहाँ पर भी ऐसे ही सेम इस पूरे एरिया को क्लीन कर देना है ताकि हम वायरिंग कर पाएँ। तो गाइस अभी हमने इस एरिया को ऊपर से तोड़ दिया आप देख पा रहे हो, तो अभी यहाँ पर मैं जल्दी से ब्लॉक लगा कर चलता हूँ ऊपर। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो सामने की तरफ वो रही उस वाली पिस्टन की वायरिंग। तो गाइस हमें इस वाली पिस्टन की वायरिंग को भी उस वायरिंग से कनेक्ट करना है ताकि दोनों पिस्टन एक ही आइटम फ्रेम से काम करें। तो पहले यहाँ पर और तोड़ देते हैं ताकि, और पहले यहाँ पर टॉर्च लगा देता हूँ ताकि हमें सही से दिखे यहाँ पर। तो ओके गाइस तो अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर। अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो गाइस अभी हम ऊपर आ चुके हैं और गाइस अभी हमें इस वायरिंग से यहाँ पर उस वायरिंग को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से करता हूँ इस वाली पिस्टन की वायरिंग को। तो यहाँ से हमें रेडस्टोन लगाकर करना है, तो ये रहा रेडस्टोन। तो गाइस यहाँ से मैं लगाते हुए इसको ऊपर लेकर आता हूँ। तो ओके गाइस ये एकदम प्रॉपर आ रहा है, तो यहाँ से अभी आगे की तरफ इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना। ओके गाइस तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर करंट भी पास हो रहा है अच्छे से। तो गाइस यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बीच में एक रिपीटर लगा देते हैं ताकि करंट अच्छे से यहाँ पर पास हो। तो यहाँ पर मैं एक रिपीटर लगा देता हूँ ऐसे और इसको एक डिले कर देता हूँ। तो ओके गाइस अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ तक करंट आ रहा है, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं नीचे इसको तोड़ कर और फिर हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम चलते हैं नीचे। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों पिस्टन एक्टिवेट तो हो चुके हैं, पर अभी हम आइटम फ्रेम से देखते हैं कि ये दोनों पिस्टन एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं। नहीं गाइस ये पहले आ जा रहा है, मतलब ये लेफ्ट वाला पिस्टन पहले काम कर रहा है फिर ये कर रहा है। तो गाइस ये राइट वाला डिले चल रहा है, तो यहाँ पर अभी आप देखना ये देखो गाइस लेफ्ट वाला पहले आ जा रहा है और ये अभी तक नहीं आया। तो गाइस इसका कुछ करना पड़ेगा, शायद से मैंने इस साइड रिपीटर लगाया तो इसीलिए इसमें करंट पहले पास हो रहा है, तो अभी देखते हैं। ओके गाइस तो अभी हम यहाँ पर फिर से पिस्टन के पीछे की तरफ आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर भी हमें रिपीटर लगाना पड़ेगा ताकि दोनों का करंट ऐसे इक्वली फ्लो हो। तो यहाँ पर रिपीटर हम लगा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर उसके लिए मुझे इस वाले को तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर एक और ब्लॉक लगाना पड़ेगा, तो इसको भी हम तोड़ देते हैं एक ब्लॉक लगा कर। तो गाइस अभी हमें यहाँ से इसको करंट देना पड़ेगा और अभी यहाँ पर सेंटर में रिपीटर लग जाएगा। तो ओके गाइस अभी हम यहाँ पर रिपीटर लगा देते हैं, तो ये रहा रिपीटर।
तो यहाँ पर हम रिपीटर लगा देते हैं और इसको भी एक डिले कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों को मैंने एक एक डिले कर दिया है। तो अभी हम चलते हैं नीचे इसको तोड़कर और अभी देखते हैं कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम नीचे आ चुके हैं। तो गाइस अभी हम इसको देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइस नहीं गाइस अभी ये राइट वाला पहले आ जा रहा है, पहले वो डिले था अभी ये डिले हो गया है। तो गाइस अभी भी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आप देख पा रहे हो ये राइट वाला पहले आ रहा है और पहले लेफ्ट वाला पहले आ रहा था। तो गाइस इसका कुछ करना पड़ेगा, तो चलिए गाइस देखते हैं इसका क्या करते हैं। ओके गाइस तो अभी यहाँ पर मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आप देख पा रहे हो। अभी आप देखो गाइस दोनों पिस्टन एक साथ काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो अभी दोनों पिस्टन एक साथ काम कर रहे हैं। ये देखिए गाइस अभी ये दोनों एक साथ अंदर जाएंगे और ये देखो दोनों एक साथ बाहर आ रहे हैं। तो गाइस इसका मतलब अभी ये पूरी वायरिंग एकदम प्रॉपर हो चुकी है। तो अभी हम इसको पूरा कवर कर देते हैं। तो गाइस ये इश्यू वो था कि जो मैंने वन डिले रखा था उसको मैंने दो डिले कर दिया और फिर अभी ये एकदम प्रॉपर करंट पास हो रहा है। तो अभी यहाँ पर पहले हम इसको कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कवर कर दिया है और अभी यहाँ पर हमें सैंडस्टोन लगाने हैं। तो ये रहे सैंडस्टोन, तो अभी हम इसको लगा देते हैं यहाँ पर ताकि यहाँ पर पता ना चले। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। ओके गाइस तो अभी हमने इस साइड कवर कर दिया, ऐसे इस साइड भी कर देते हैं। ओके गाइस तो यहाँ पर हम इसी स्टोन से कवर कर देते हैं जो यहाँ पर हमें हमारे पास है। तो यहाँ पर हम ऊपर से कवर कर देते हैं जल्दी से। ओके गाइस तो अभी हम यहाँ पर जल्दी से इसको कर देता हूँ कवर। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी यहाँ पर फिर से सैंडस्टोन लगा देते हैं। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पर कोई भी वायरिंग की है। और गाइस अभी हमें यहाँ पर भी सैंडस्टोन लगाना है और ये पूरा सैंडस्टोन ऐसे दीवार की तरह लगेगा और यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि कोई गेट भी है। और गाइस यहाँ पर एक ब्लॉक का तो गैप रहेगा क्योंकि वरना पिस्टन दिख जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हो एकदम प्रॉपर काम कर रहा है और अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर पिस्टन भी है। तो गाइस हम यहाँ पर इस वाले ब्लॉक में करते तो पिस्टन दिख जाता है, इसलिए यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़ना पड़ा हमें। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इसको भी मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पर येलो कॉन्क्रीट लगा दूँ क्योंकि ब्लू कॉन्क्रीट की वजह से ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई रास्ता है। तो यहाँ पर हम इसको भी चेंज करेंगे। तो गाइस अभी हम फिर से इसको क्लोज करते हैं, तो आप देख पा रहे हो एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। और गाइस कितना मस्त लग रहा है, कोई कह भी नहीं सकता कि यहाँ पर गेट है, एकदम पूरा सीक्रेट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर मैं और आइटम फ्रेम ऐसे लगा दूंगा तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि कौन से आइटम फ्रेम से ये काम करता है गेट। तो यहाँ पर ये रहा उल, तो मैं थोड़े बहुत उल लगा देता हूँ इसके आइटम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर वो उल कहाँ गए, तो ये रहे उल, इनको लेता हूँ और इन आइटम फ्रेम के अंदर लगा देते हैं। और ऐसे हम कोई अलग अलग चीज़ लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा किसी को भी। और ये यहाँ पर कहाँ पर लग गया, तो इसको हम तोड़ देते हैं। और गाइस अभी हम इसको रख देते हैं जो बचा हुआ उल है इसको अंदर। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा हमारा सीक्रेट डोर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तो पता ही नहीं चल रहा है, इतना आइटम फ्रेम हो चुके हैं यहाँ पर। तो गाइस अभी हमारा ये सीक्रेट डोर एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसको एक और बार ओपन करके देखते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हो कितना सही एक साथ ओपन हो रहा है। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर आपको अंदर चल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अंदर तो आपको पता ही है हमारी लाइब्रेरी, तो यहाँ से हम चलते हैं फिर से बाहर। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक और सीक्रेट डोर, नहीं गाइस इतने सीक्रेट डोर का क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। और गाइस आप देखो कितना मस्त लग रहा है। तो यहाँ पर ये मैं स्वर्ट लगाया तो उसको लगा देता हूँ क्योंकि हमारी डायमंड एक्स तो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस गोल्ड स्वर्ट को लगा देता हूँ। तो ओके गाइस अभी हमने यहाँ पर लगा दिया और इससे अलग ही क्लोज हो रहा है। तो हम ऐसे करेंगे तो क्लोज ओपन होगा और ऐसे रखेंगे तो क्लोज होगा। तो हम ऐसे ये ओपन। ओके गाइस तो अभी हम इसको ऐसे ही रख देते हैं या फिर सीधी रखें, गाइस अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सीधा ही कर देते हैं, तो ऐसे क्लोज, हाँ ठीक है। तो अभी हम इसको सीधा रख देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर वन क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए गाइस यही था हमारा आज का सीक्रेट डोर, आपको कैसा लगा?
तो गाइस अगर आपको ये सीक्रेट डोर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो चले गाइस, तब तक ले बाय बाय। Lands through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on.